नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय अकबरपुर के पाहितीपुर रोड स्थित मयूर रिजॉर्ट में शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड के सभासदों ने शपथ ली। समर्थकों की मौजूदगी में अकबरपुर के नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा ने शपथ ली। नव निर्वाचित अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा और उनकी पालिका सदस्यों वाली नई कैबिनेट को उपजिलाधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी निर्वाचितों ने जनता से किए गए वादे को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। शपथ लेने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा ने कहा कि जनता ने जिस उद्देश्य से उन्हें चुना है उसे पूरा करने का 100% प्रयास करेंगे। नव निर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेगी, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर्व समाज के सम्मान के साथ नगर में चहुमुखी विकास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नगर की सर्व समाज की जनता उन्हें सेवा करने का अवसर दिया था और फिर दोबारा जनता ने 5 वर्ष बाद हमको सेवा करने का अवसर दिया है। वे सदैव नगर की गंगा जमुनी तहजीब की कायम रखकर सभी वार्डों में समुचित विकास को प्रयासरत रहे हैं। नगर के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी और चौमुखी विकास कराया जाएगा। सर्व समाज की जनता के विश्वास को कायम रखकर विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। इस मौके पर मयूर रिजॉर्ट को फूल और गुब्बारों से सजाया गया था और शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष को कर्मचारियों ने फूल गुलदस्ते बुके देकर स्वागत किया। समारोह के मौके पर तहसीलदार जेपी यादव, प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर संजय पांडे, संबलपुर थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष दीपक रघुवंशी, अधिशासी अधिकारी बीना सिंह, जेई नागेंद्र कुमार, वरिष्ठ लिपिक अनुप कुमार, सत्य प्रकाश मिश्रा, श्री तिवारी तथा सेवा निर्वृत्त वरिष्ठ लिपिक ब्रजेश शुक्ला आदि मौजूद रहे। खड़ंजा और सीसी रोड जल निकासी का निर्माण हो, रात्रिकाल हेतु बेहतर प्रकाश मार्ग प्रकाश व्यवस्था अच्छी तरीके से शहर में किया जाए, बेहतर आवागमन के लिए जो सड़क पर छुट्टा जानवर चलते हैं उससे भी यातायात व्यवस्था निजात मिल सके, अच्छी व्यवस्था यातायात की हो उसके लिए भी हम लोग प्रबंध करेंगे। छुट्टा चारणों के लिए रहने और उनके देख रखाव के लिए जो गौशाला की व्यवस्था है उस गौशाला की व्यवस्था को और अच्छी तरीके से करने का काम करेंगे। तमाम ऐसी योजनाओं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उस लाभकारी योजनाओं को हम सब लोग गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, घर घर पहुंचाने का काम हम सभी लोग, हमारे सभी सम्मानित सभासद और हम मिलकर उसको पूरा करने का काम करेंगे जिससे हमारी जनता जनार्दन को उसका लाभ मिल सके। ये सभी चीजें आम जनमानस के दैनिक जीवन में उपयोगी हैं एवं हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है जिन पर विशेष ध्यान देते हुए बेहतर सेवा मुहैया कराई जाएगी। रोस्टर के अनुसार मेरे द्वारा स्वयं इसका निरंतर परीक्षण किया जाएगा और देखभाल किया जाएगा। जिस तरीके से मेरे पिछले वर्षों 10 साल के कार्यकाल में नगर का विकास अच्छी तरीके से हुआ था उसी तरीके से इस बार भी ठीक उसी तरीके से आधुनिक तकनीकों की मदद से पुनः निरंतर जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा। इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ चूंकि कार्यक्रम बारिश के वजह से व्यवधान उत्पन्न हुआ, हम लोगों का और नगर पालिका के सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा और ये शपथ ग्रहण समारोह भव्य कार्यक्रम हम लोग करने वाले थे लेकिन ईश्वर की मर्जी उसके आगे हम लोग नतमस्तक हो गए और मजबूरी बस इस भीड़ के साथ इस छोटे हाल में हम लोग को मजबूरी में कार्य करना पड़ा। इसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं और सम्मानित जनता जनार्दन साथ ही साथ हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु और यहां पर आए हुए हमारे नगर के सभी सम्मानित नागरिक नौजवान साथियों, मैं सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस निकाय चुनाव में नगर की सम्मानित जनता जनार्दन द्वारा जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे नगर पालिका परिषद अकबरपुर के अध्यक्ष पद के निर्वाचित किया है, मैं चंद्र प्रकाश वर्मा नगर की समस्त जनता जनार्दन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए नगर पालिका के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा।
हमारी जो प्राथमिकता है।